रेव पार्टी में नशे के लिए सांप के जहर का इस्तेमाल करने को लेकर यूट्यूबर एल्विश यादव जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। सांप के जहर के मामले में गिरफ्तार यूट्यूबर एल्विश यादव को रविवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। रविवार की रात एल्विश यादव की जेल में पहली रात थी और रात भर वो बेचैन दिखा। नोएडा पुलिस ने 4 महीने पहले आयोजित रेव पार्टी में नशे के लिए सांप के जहर के इस्तेमाल के मामले में एल्विश यादव को रविवार को गिरफ्तार किया और उन्हें सूरजपुर की एक विशेष अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एल्विश यादव को ग्रेटर नोएडा स्थित कासना में पड़ने वाले लुक्सर जेल में रखा गया है। लुक्सर जेल में एल्विश यादव की रविवार की रात पहली रात थी। एल्विश को पहले दिन लुक्सर जेल के एक क्वारंटाइन सेल में रखा गया। दरअसल जब भी कोई बंदी आता है तो उसे सबसे पहले क्वारंटाइन सेल में ही रखा जाता है, ताकि कोई संक्रमण या बीमारी हो तो वो अन्य कैदियों में ना फैले। बता दें कि एल्विश यादव पिछले साल 3 नवंबर को सेक्टर 39 थाने में दर्ज प्राथमिकी में नामजद 6 आरोपियों में से एक है। अधिकारियों ने कहा कि 5 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन फिलहाल वो जमानत पर बाहर है। हमारे साथ डीसीपी नोएडा विद्यासागर मिश्र जी हैं। सर, अभी एल्विश यादव को गिरफ्तार किया गया है, एल्विश के ऊपर क्या आरोप थे, किन सेक्शन के तहत गिरफ्तारी की गई है? ये देखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और आईपीसी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत था और स्नेक वेनम के संबंध में प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। विस्तृत विवेचना के क्रम में आरोप प्रमाणित होने के साथ साथ गिरफ्तारी की गई है और गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। सर, आरोप क्या थे एल्विश के ऊपर, क्या बोला गया था कि मेमन जो सप्लाई करते हैं या जो लोग गिरफ्तार हुए थे उनके साथ कोई संबंध था, किस तरीके का आरोप था उसके ऊपर? ये विवेचना का विषय है और इस संबंध में माननीय न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं। सर, न्यायालय के अंदर आप लोग कस्टडी मांग रहे हैं या वो जुडिशियल कस्टडी में जाएंगे, पुलिस रिमांड मिलेगी? आज हम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं और अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किए हैं, बाकी शेष न्यायालय के आदेश के उपरांत ही कार्रवाई की जाएगी। आपकी तरफ से रिमांड मांगी गई है? जी, हमारी तरफ से मांगी गई। सर, आगे किस तरीके से इसमें जांच आगे बढ़ेगी? अगर एल्विश को आज रिमांड पे लेते हैं तो उसको उन जगहों पे लेके जाया जाएगा जहां पे पहले राहुल या उसके साथी जो गिरफ्तार हुए थे उनको लेके गए थे? आज हमारे द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, माननीय न्यायालय का जो आदेश होगा न्यायालय के आदेश के क्रम में हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। सर, फिर भी अगर आपको रिमांड मिलती है तो उसके बाद कैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी? ये विवेचना का विषय है, विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित रहेगी। ये आज आपने नोटिस देकर बुलाया था इनको या कहीं आए थे वहां से आपने उनको उठाया गया, किस तरीके से एल्विश आपके पास पहुंचे? आज हमारे द्वारा नोटिस दी गई थी, नोटिस के क्रम में आए थे। जेल अधिकारियों के मुताबिक 14 दिनों की न्यायिक हिरासत के अंतर्गत लुक्सर जेल में बंद एल्विश यादव को पहले दिन पूरी रात नींद नहीं आई। जेल की पहली रात वो लगातार सोते जागते रहे और उन्होंने करवटे बदलते बदलते रात बिताई। जेल अधिकारियों की माने तो रविवार को एल्विश यादव को खाने में पूरी, आलू बैंगन की सब्जी और हलवा दिया गया। कभी वो अपने बैरक में टहलते दिखे तो वो कभी सोते दिखे। नोएडा पुलिस के मुताबिक मामला वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 120B, 284 और 289 यानी जानवरों के संबंध में लापरवाही भरा आचरण के प्रावधानों के तहत दर्ज किया गया था। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि मामले में मादक पदार्थ पर रोकथाम संबंधी NDPS अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोप भी जोड़े गए हैं, जिसमें हरियाणा के गुरुग्राम निवासी यादव को गिरफ्तार किया गया है। बहरहाल NDPS एक्ट में आरोपी एल्विश यादव की जेल में पहली रात बड़ी बेचैनी से कटी। ऐसे में आगे आने वाले दिनों में एल्विश की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।